किसान मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, जीकेसी बागवानी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम किसान मित्रों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक धमाकेदार वीडियो, जिसमें आपको बताएंगे अगर आपका आम का पेड़ हो और वह विकास ना कर रहा हो तो कैसे उसका तेजी से आप विकास कर पाएंगे। इसके बारे में इस वीडियो में समुचित तरीके से बताएंगे। अगर कीड़े के माध्यम से आपका विकास ना हो रहा हो या किस माध्यम से ना हो रहा हो, वो तमाम जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो अभी नीचे दिए गए लाल बटन को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक को डेफिनेटली करें। वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, देखिए, अगर आपका आम का पेड़ बिल्कुल ठीक इसी प्रकार है जिस प्रकार मेरे बगल में है, देखिए ये कुछ ज्यादा उम्र का हो गया है, पेड़ बढ़ा भी है, लेकिन पूरी तरह से इसका विकास इस पेड़ का नहीं हो पाया है। तो इस पेड़ का विकास आखिर किन कारणों से नहीं हुआ है, उन कारणों को मैं आपको दिखलाऊंगा। तो देखिए, आपको ऐसे पेड़ों का डेवलपमेंट कैसे करना है, तो एक देखिए, आप यहाँ इसके जड़ को देखिए, इस जड़ में कई कमियां हैं। जी हाँ, एक तो इसके जड़ में देखिए ये मिट्टी लगा हुआ है, ये आपको मिट्टी लग गया है, यानी इसको दीमक खाने की कोशिश करेगा अगर इसको सही तरीके से सही टाइमिंग पे अगर ना निकाला जाए। तो इस स्थिति में सबसे पहला काम, अगर आपके पेड़ में भी इस तरह का मिट्टी लग गया हो तो उसको हटा दीजिए, ठीक। दूसरा काम आपको क्या करना होगा, इसके जो जड़ है, इसके जड़ को आपको निश्चित रूप से उपजाऊपन और अच्छे रह सके इसके लिए जो है गुराई निश्चित रूप से करें। इसको इसके लिए, चूंकि मैं अभी वीडियो में तो करते हुए आपको नहीं दिखला पाऊंगा, इसलिए आपको जो है क्या करनी है कि बड़े से फावड़े लेकर के और इसके लगभग 3 फीट की चौड़ाई में डेफिनेटली आपको क्या करना है, इसकी गुराई कर देनी है, ठीक। इसके अलावा देखिए, इसको पेड़ के विकास के लिए निश्चित रूप से यह बात याद रखें, ज्यादा करें ना करें, साल में कम से कम 2 बार इसको आपको क्या करना है, तो चूना लेकर के और चूना का पेंट कर देना है। आपको ब्रश लेनी है, ब्रश से चूना घोलने के बाद जो है आपको इस तरीके से यहां तक, जैसे इस शेप में आप यहां तक लेकर के और इसको जो है अच्छे तरीके से क्या करना है, तो पेड़ को पेंट कर देनी है। यह सब तो रहा बेसिक बातें, जिससे क्या होगा, इसका जड़ अच्छा हो जाएगा। इसके गुराई करने से क्या होगा, अगर पेड़ का आप यहाँ पे अगर निश्चित रूप से इसके पेड़ को आप भुरभुरा बना देते हैं, तो भुरभुरा बनाने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी अगर पानी आता है तो पानी को यह अवशोषित करेगा, जो कि बिल्कुल जरूरी है अगर इस तरह के पेड़ है तो। इसके अलावा आपको क्या करना है, पेड़ का डेवलपमेंट करने के लिए आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है, जो मूल चीजें हैं अब वो बतला रहा हूं। जड़ का जैसे ही गुराई करें, गुराई करने के बाद क्यारी बनाने के बाद जैविक खाद दें। जैविक खाद के अलावा उसमें आप फंगिसाइड पाउडर दें। फंगिसाइड पाउडर अगर जड़ में देना है तो ठीक, अगर जड़ में नहीं देना चाहते हैं तो स्प्रे जो आप बनाइएगा उस स्प्रे में भी उसमें आप दे सकते हैं। स्प्रे कौन सा बनाना है पेड़ के विकास के लिए वह भी बतला रहा हूँ। जड़ में आप फंगिसाइड पाउडर अगर दे दिए तो ठीक है, एक चम्मच लेकर के, और आपको क्या करनी है कि आप जो जैविक खाद लिए एक पेड़ में, इस तरीके के एक पेड़ में आप डेफिनेटली 10 किलो जैविक खाद, यानी केचुए वाली खाद दें, 10 किलो वो खाद दें। साल में 2 बार बरसात के मौसम में तो डेफिनेटली देना ही देना है, और इस समय भी अगर आप देना चाहें तो दें, लेकिन पानी निश्चित रूप से दें, ठीक। तो वह जैविक खाद दें, फंगिसाइड पाउडर दें, और वह देने के बाद जो है उसको ढक दें और पानी डाल दें। अब इसकी जो है, इसमें साल में चूंकि 12 महीने होते हैं और 12 महीने जो है कम से कम एक बार आपको स्प्रे करना ही करना है पेड़ का विकास के लिए। अगर पेड़ का विकास चाहते हैं तो स्प्रे निश्चित रूप से करें। कहिएगा कौन सा स्प्रे करें, तो देखिए उसमें आप 2 से 3 चीजों को मिलाएं। एक तो आप अगर फंगिसाइड पाउडर को दे दिए हैं जड़ में तो उसको ना मिलाएं, अगर नहीं मिलाए तो उसको भी मिलाना है, फंगिसाइड पाउडर। और इसके अलावा एग्रोमिन चूंकि मैं एक नाम बोला हूं, यह क्या है, पौधे के लिए विटामिन का काम करता है, तो आप एग्रोमिन नाम से ले सकते हैं, मैक्स के नाम से ले सकते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग आता है, ठीक है। जो लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसको आप ले लें। डोज आपका जो है जिस नाम से आएगा उस पर आपको लिखा रहता है। अगर आपको डोज में किसी तरह की समस्याएं हो, आपके एरिया में जो मिल रहा हो उसका क्या डोज
होना चाहिए, तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, आपको उसका डोजेज बतला देंगे जिससे कि आप उसको दे सकें। आपको क्या करना है, वह लेकर के एग्रोमिन ले लीजिए या कोई भी आपके एरिया में जो विटामिन मिल रहा है, चाहे आपको मैक्स मिल रहा हो, ऑनलाइन मिल जाएगा, वह आप ले लीजिए, आपके एरिया में जो मिल रहा है वह ले लीजिए। ठीक, तो एक तो हो गया विटामिन के लिए, एक हो गया फंगिसाइड पाउडर, और तीसरा कीटनाशक। ठीक है, कीटनाशक बिल्कुल कम डोज में दें। ठीक है, आपके एरिया में जो कीटनाशक मिलता है वह अलग अलग हो सकता है, जिसके कारण उसके डोजेज में अंतर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यह तीनों चीज़ों को मिलाएं, फंगिसाइड पाउडर, एग्रोमिन और तीसरा कीटनाशक, इस तीनों का एक नियत मात्रा में मिलाना है। ठीक है, और मिलाने के बाद आपको क्या करना है, स्प्रे देना है। ठीक है, 10 बार 10 लीटर में अगर आप बना लें, 10 लीटर में बनाना चाहें, 10 लीटर में बना करके एक उचित मात्रा दे करके, और फिर क्या करें, इसका स्प्रे कर दें। किसी एक पेड़ के लिए नहीं, बल्कि अनेकों पेड़ आपके रहेंगे, तो इस तरह से आप लीटर वाइज बना सकते हैं। आपको जितने पेड़ हैं उसके अनुसार आप बना लीजिए, और क्या कीजिए, 12 महीने में एक एक बार आप डेफिनेटली स्प्रे तो कीजिए, यही कीजिए। इससे क्या होगा, आपका पेड़ में जो है हर एक साल फलन देगा, और आपका पेड़ जो है काफी तेजी से फलेगा, फूलेगा। हाँ, याद रखें, बरसात के मौसम में डेफिनेटली आपको जैविक खाद देना है, रासायनिक खाद का उपयोग आम के पेड़ में बिल्कुल ना करें, यूरिया पोटाश इस तरह की चीजों का उपयोग बिल्कुल ना करें, इन तमाम चीजों को आप इस पेड़ में डालें, आपका पेड़ जो है बेमिसाल हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और निश्चित रूप से आपका पेड़ विकास नहीं, काफी तेजी से विकास करेगा। अगर मन में अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली फिर से कहूंगा, सब्सक्राइब करें, और लाइक तो डेफिनेटली करें।